तो भाई हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो आज भाई आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ई रिक्शा की वायरिंग अगर आपने करनी हो तो आपने किस तरीके से वायरिंग करनी पड़ेगी। तो भाई जैसे कि आपने नई वायरिंग ले ली, इसके अंदर आपने सभी पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। जैसे मुट्ठा जोड़ना पड़ेगा, ऑन ऑफ का स्विच लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको तरीके से बताता हूँ एक एक चीज। मिस्त्री जी, ये दो तो होगी बैटरी की, और ये दो पीछे चली गई, ये भी बैटरी के अंदर चली गई, और यहाँ से वायर आके ये होगी भी कंट्रोलर की। कौन सी वाली होगी कंट्रोलर की? पीली डब्बी में कौन सी लगी है? पीली डब्बी में कौन कौन सी लगी है? सुरेंद्र बताइए एक मिनट। सुरेंद्र है भाई साहब, है क्लियर करे, बता रहे बोल। पीछे तो बैटरी की तार आ गई दोनों साइड से, ठीक है। यो गठा बंद का आ गया, यो गठा की साइड गया, आगे तो आगे गया मीटर मटर का। दो वायर एमसीबी की, ये दो चार्जर की होगी, गड्डी चार्ज करेगा। और ये वाली ये तो उसकी है, 12 वोल्ट की, ये लानी है अपन ने। अच्छा, खाम खा के एलईडी वगैरह लगानी है, और कन्वर्टर की होगी। पीली डब्बी में कौन कौन सी लगेंगी? ये लगी मोटर की, तीन मोटर की होगी। हाँ, दो महीना की तीन मोटर की होगी। सेंसर की यार कंट्रोलर में मिलेगी। और बार की बार मोटर चेक कर ली भाई, बार मुठ्ठा चेक कर दिया, और बार ही मीटर चेक कर दिया, बैटरी भी शो कर रहे हैं। तो भाई इस तरीके से आपने अपनी गाड़ी की वायरिंग करी, बड़ा ही सिंपल तरीका है। बार की बार चेक जरूर करनी है भाई एक बार आपने। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।